ये जो मंदिर है, ये मंदिर है, तो अभी मैं आपको बता दूं, आप सुबह जो है वो चाय पानी कहाँ पीने जाते हैं? यहीं पे। आप सोच लीजिए, ये जो मंदिर है इसमें जब चाय पानी पीने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। मैंने दिखाया था कि पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हिंदू ही थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए एक मुसलमान आता है और रात को 11 बजे सड़कों पर आता है और अपने बच्चों को भी सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी बड़ा एक धर्म है और एक मजहब है, जो धर्म और मजहब है इंसानियत का। मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये सड़क पर जो है, और अगर कुछ लोग जाग रहे होंगे तो उनसे बात भी करेंगे। इस देश के अंदर सरकार भुखमरी का डेटा नहीं देती है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, और इस देश के लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को झूठा ठहरा देते हैं इस बात को समझते हुए, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ है। क्या आप इन सब चीजों को भी, ये जो सड़क पर सोए लोग हैं, इनको भी आप यही कह देंगे कि ये लोग जो है मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सड़क पर सोए हुए हैं? सरकार ने इनको सोने के लिए कोई आशियाना नहीं दे रखा है, इनके पास सर ढकने को छत नहीं है। और आप देख लीजिए, इस देश के अंदर जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, हिंदुओं का बहुत बड़ा हितेशी समझते हैं, हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, तो वो देख लें एक बार इस जगह को कि कितने सारे हिंदू और उनके बच्चे और उनका भविष्य जो है वो यहाँ पर सड़कों पर सो रहा है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जागे हुए हैं, हम उनसे बात भी करते हैं कि आखिर कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं। मुसलमान नहीं है ये, क्या ना, हिंदू है ना। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, इस सड़क से जा रहा था तो सोचा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ वादे थे कि प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत दी जाएगी और जहां झुग्गी होगी वही मकान दिया जाएगा, गरीबों के लिए बेहतर सुविधा होंगी, इस देश में स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और भारत को परिवर्तित कर दिया जाएगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। हालांकि उस बात को देश के गृह मंत्री जुमला करार चुके हैं, लेकिन आप किस किस व्यक्ति को और किस किस बात को प्रधानमंत्री की जुमला करारेंगे? क्या इस बात को भी आप जुमला करार देंगे कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई यात्रा कराएंगे, प्रत्येक गरीब को हम मकान देंगे, प्रत्येक गरीब के सर पर उसकी छत होगी और रात को सोने के लिए उसके पास एक आशियाना होगा? ये सब बातें आज के दौर में किताबें हो चुकी हैं। असल में मोदी सरकार अगर चुनाव जीतती है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर जीतती है। मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं कि ये सड़क पर जो है, और अगर कुछ लोग जाग रहे होंगे तो उनसे बात भी करेंगे कि आखिर वो कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने समय से सो रहे हैं। इस देश के अंदर सरकार भुखमरी का डेटा नहीं देती है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, और इस देश के लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को झूठा ठहरा देते हैं इस बात को समझते हुए, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ है। क्या आप इन सब चीजों को भी, ये जो सड़क पर सोए लोग हैं, इनको भी आप यही कह देंगे कि ये लोग जो हैं मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सड़क पर सोए हुए हैं? सरकार ने इनको सोने के लिए कोई आशियाना नहीं दे रखा है, इनके पास सर ढकने को छत नहीं है। और आप देख लीजिए, इस देश के अंदर जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, हिंदुओं का बहुत बड़ा हितेशी समझते हैं, हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, तो वो देख लें एक बार इस जगह को कि कितने सारे हिंदू और उनके बच्चे और उनका भविष्य जो है वो यहाँ पर सड़कों पर सो रहा है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जागे हुए हैं, हम उनसे बात भी करते हैं कि आखिर कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं, ये पूछ लेते हैं इनसे। और सबसे पहले ये जान लेंगे कि भैया कहीं गलती से कोई मोदी जी के अगेंस्ट वाला तो नहीं है, पहले ये पूछ। क्या नाम है भैया आपका? माय नेम इज जोगीनाथ बाबा। इनका नाम है जोगीनाथ बाबा। मुसलमान नहीं है ये, क्या ना, हिंदू है ना? हाँ जी, मैं गरीबों का बाबा हूँ। हिंदू है ये, मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ। तो आप सोच लीजिए, सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिली है क्या आपको? नो। मोदी सरकार ने तो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, तो आप कितनी बार हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं? उनको तो पता नहीं, अंग्रेज को चांदी का थाली में खाना खिलाने का टाइम ही नहीं, उनको बाहर देश घूमने का मौका नहीं। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जानते हैं नरेंद्र मोदी का नाम सुना है आपने? क्यों नहीं। अच्छा, वो हमारा प्रधानमंत्री जी है आपके, हमें क्या दिया, हमें तो बहुत दिल दुखा है, हम तो जैसे वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। हवाई चप्पल है क्या? ये आपके पास हवाई चप्पल तो है पैर में, लेकिन हवाई यात्रा आपने कितनी बार करी, कितनी बार जहाज से सफर किया है? मोदी सरकार ने हमें एक बार भी नहीं उड़ाया। अच्छा, एक बार भी नहीं उड़ाया सरकार ने, ठीक है। और एक भाई और है हमारे साथ में, इधर आइए आप। तो अच्छा, वैसे आप बाबूजी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? भजले ना, आपको बार बार समाचार बार बार नहीं आते, मतलब 22 साल हो गए मेरी जिंदगी यहाँ फुटपाथ में। 22 साल हो गए आपके फुटपाथ पर जीवन बिताते हुए।
आप सोच लीजिए 22 साल देश के प्रधानमंत्री को किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा, लेकिन आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के लोग आज सड़कों पर और फुटपाथ पर सोते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? राकेश। राकेश इनका नाम है भैया। ये भी हिंदू ही हैं। आप ये देख लीजिए, इस देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसमें 100 करोड़ हिंदू है। ये समझिए, हिंदू ज्यादा बेरोजगार है, ये याद रखिए। सरकार जो आपको डराती है ना हिंदू मुसलमान के नाम पर, भुखमरी के डाटा नहीं देती है सरकार, किसान की आत्महत्या का डाटा नहीं देती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम महोबा के रहने वाले भाई। कहाँ के? महोबा के। महोबा के रहने वाले हैं। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम बहुत भैया 8 साल से कम नहीं है भाई यहाँ पे। 8 साल से फुटपाथ पर सो रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, इनका नाम है राकेश। राकेश नाम है ना? इनका नाम राकेश है और 8 साल से इस फुटपाथ पर ये सो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा आपने कभी हवाई जहाज से यात्रा करी? हवाई जहाज से ना? ना भाई ना। हैं? कभी नहीं करी? अरे आपके तो पैर में हवाई चप्पल है। ये देखिए, इनके पैर में हवाई चप्पल है और एक भाई पीछे जा रहे हैं, उनके पैर में तो हवाई चप्पल भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक शर्त रखी थी कि हवाई चप्पल वाले को। खैर उस भाई के पैर में तो हवाई चप्पल भी नहीं है, लेकिन इनके पैर में भी हवाई चप्पल है और पीछे जो चाचा बैठे थे उनके पैर में भी हवाई चप्पल है। तो आपने कभी हवाई जहाज से यात्रा करी है? ना भाई, उससे नहीं करा हुआ है। अच्छा कभी नहीं करी हवाई जहाज से यात्रा? हवाई जहाज से कभी नहीं करा। अभी क्या बोल रहा है? तो सरकार ने कभी हवाई जहाज से यात्रा कराई हो आपको? मोदी जी तो कराते हैं हवाई जहाज से यात्रा। अरे भाई हमको नहीं करा हुआ, अभी नहीं बोलने का। अच्छा कभी नहीं कराई? ला ला ला। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर, कितनी उम्र है आपकी भैया? हमारी 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र, 25 साल इस देश का नौजवान जहाँ पर आप सड़कों पर फुटपाथ पर सो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आलीशान बंगलों में अपनी रातें बिताते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे देश में महंगाई का, भुखमरी का, बेरोजगारी का हाल है, लेकिन हमारे देश की सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश की सरकार ये जो मंदिर है और मस्जिद है इसके नाम पर लोगों को लड़ाती है। असल में आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर है तो अभी मैं आपको बता दूं, आप सुबह जो है वो चाय पानी कहाँ पीने जाते हैं? यहीं पे। आप सोच लीजिए, ये जो मंदिर है इसमें जब चाय पानी पीने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? नहीं पूछा जाता ना। तो आप देख लीजिए, ये जो मंदिर है इसमें पूछा नहीं जाता कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। नहीं, मंदिर में ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ इनका पेट भरा जाता है। और आप ये देख लीजिए, बस ये देखा जाता है कि ये गरीब है और इनका पेट भरने का काम किया जाता है। ना तो मंदिर से किसी मुसलमान को भगाया जाता है, ना मस्जिद से किसी हिंदू को भगाया जाता है। अगर इस देश का बुरा हाल है तो इस देश के नेताओं की वजह से। एक वो नेता थे जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च जो है वो इस देश के लिए कुर्बान कर देंगे। और एक आज के नेता हैं जो कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं ऐसे और इनकी मदद यहाँ पर कर कर जाते हैं, लेकिन इनकी जो हालात है वो आप देख सकते हैं। ये लोग सड़कों पर सोते हैं और किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? जिशान। जिशान नाम है। तो आप यहाँ बच्चों को लेके अपने आए हैं? जी जी। किस लिए? यहाँ लोगों की मदद करते हुए निकलते हैं हम रात लोगों में। की मदद करते हुए निकलते हैं। देख लीजिए कितना समय हो गया आपको? बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया। तो आप देख सकते हैं ये वतन की हमारे खूबसूरती है कि अभी आपने देखा कि कुछ हिंदू भाई हैं यहाँ पर सड़क पर। लेकिन अच्छा एक बात मुझे बताइए जिशान भाई, जैसे आप लोगों की मदद करते हैं तो आप उनसे ये पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? नहीं, मदद के लिए नाम या मजहब नहीं पूछा जाता। अच्छा। ये तो दिल से होती है और लोगों को परेशानी देखकर लोगों की मदद करनी चाहिए। जी जी। अच्छा तो आप बच्चों को भी अपने साथ लेकर आते हैं तो किस लिए? बच्चे भी खुश होते हैं कि सीखें कुछ आगे के लिए और प्रेरणा लेते हैं और ये खुद आगे से आगे मदद करने के लिए बच्चे भी बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात भाई ने कही है। और रात के तकरीबन 11 बजे तो आप हर दिन आते हैं यहाँ पर? यहाँ हर एक दिन करके, कभी इधर, कभी हनुमान मंदिर की तरफ, कभी ये शमशान घाट वाला रोड है। जी जी जी। उधर मतलब हर दिन आप कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर जाते हैं बच्चों को लेकर। और बच्चे भी इनके छोटे छोटे से आप देख सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो बच्चों को अपने बेहतर शिक्षा दीजिएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर एक चीज कही जाती है कि मुसलमान जो है वो हिंदू से नफरत करता है। मेरे माथे पर तिलक लग रहा है, आपको इस देश के हिंदू से कोई नफरत है? कोई भी नफरत नहीं है। तो इस देश में जो ये नफरत का जहर जो घोला जाता है इस तरीके से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ताकि
वो इस देश पर बने रहें जी, और इस देश पर और कोई राज ना कर सके या ईमानदारी से कोई ना चल सके। अच्छा, मेरा धर्म है हिंदू और मेरी जो पुस्तक है रामायण है, गीता है, महाभारत है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप किसी भी मुसलमान को मारो। आप एक मुसलमान है और मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान और हदीस, उसके कुरान या हदीस के अंदर कहीं पर जिक्र है कि हिंदुओं को मारा जाए या हिंदुओं को पीटा जाए, कुछ ऐसा कहा गया क्या? आज हमारे पैगम्बर का बार वफात का दिन है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का, उन्होंने भी यही संदेश दिया था के प्यार मोहब्बत फैलाओ और अमन से रहो जी। तो आज जो है एक बहुत बड़ा दिन भी, आज प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो है वो जन्मदिवस भी है, और आपको बता दूं जिन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो अमन चैन शांति का पैगाम देने का काम किया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल जी। तो आप ये देख लीजिए कि जिशान भाई जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना जाति धर्म और मजहब को अपने घर पर रख कर आते हैं और यहाँ सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करने के लिए आते हैं जी। एक चीज और है, जब ये मोदी सरकार आई थी इन्होंने हर आदमी को छत देने का वादा किया था जी, जी, जी। लेकिन ये तो हर घर से और हर लोगों से छत छीन गई है जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मोदी सरकार ने छत देने का वादा किया था लेकिन अब वो लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हिंदू ही थे लेकिन उनकी मदद करने के लिए एक मुसलमान आता है और रात को 11 बजे सड़कों पर आता है और अपने बच्चों को भी सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भी बड़ा एक धर्म है और एक मजहब है, जो धर्म और मजहब है इंसानियत का। आपको इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान के नाते इस देश को, इस मुल्क को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुल्क बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, इस मुल्क की संरचना को ना बिगाड़ें और प्रेम मोहब्बत और भाईचारे को बनाए रखें, बरकरार रखें, और इस देश की सरकार से सवाल पूछते रहें और हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।